अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर वाज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड दिस वन इज़ आवर लेसन लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ साइंस, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 1 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अब एक हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। आपने अपने घर में से एक पीस लेना है ब्रेड का। ब्रेड होगी ना अपने घर इस तरह से, तो इसमें से आपने जस्ट वन पीस लेना है ब्रेड का, ठीक है? आपने सारी ब्रेड नहीं लेनी, जस्ट वन पीस। अब उस पीस को पुट इट इन प्लास्टिक कवर एंड सेट असाइड फोर 3 to 4 days, ठीक है? आपने अब इसको 3 to 4 days के लिए एक प्लास्टिक जिसमें आपकी ब्रेड आएगी, आप उसी में अपना एक पीस लेकर आप उसी जो है प्लास्टिक कवर में डालकर आप अपनी उस ब्रेड को 4 to 5 days के लिए जो है वो रख दें, ठीक है? अब 4 or 5 days के बाद आप ब्रेड को निकालें और अपने ब्रेड को ऑब्जर्व करना है कि वो ब्रेड कैसी है, या पहले जैसी थी या उसमें कुछ चेंजिंग आई हैं। व्हाट हैपेंड विद द ब्रेड, ब्रेड के साथ क्या हुआ, या ब्रेड कैसी है? उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको आपके ब्रेड इस टाइप की नज़र आएगी। अगर बहुत सारे दिन आप उसको छोड़ देंगे, लाइक 10 to 12 days, आपकी ब्रेड की जो है फॉर्म इस तरह से हो जाएगी। और अगर आप 3 to 4 days में देखेंगे तो ये आपकी ब्रेड के डिफरेंट पार्ट्स में इस तरह से हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मोल्ड्स। मोल्ड्स मीन कि आपकी ब्लड जो है वो ब्रेड है वो आपकी जो है वो उसमें फंगस जो है वो मोल्ड की टाइप है कि वो आपकी ब्लड जो है वो ब्रेड पे लग जाती है, विच इज़ ए फंगस, ठीक है? जो आपकी ब्रेड को ख़राब कर देती है। और ये किसकी एग्जांपल है? फंजाई की। अब फंजाई क्या है ये हम आगे देखते हैं। आपने इस एक्टिविटी को आज ही लाजमी तौर पर करना है। अब बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लुक एट दीज वोकैबुलरी वर्ड्स। टैक्सोनॉमी, रिप्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, न्यूक्लियस, यीस्ट, फोटोसिंथेसिस, क्लियर? अब देखते हैं टैक्सोनॉमी। फर्स्ट आप सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। अब क्लासिफिकेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कैन बी डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, मूवमेंट, हैबिटेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लाइक आपने देखा कि दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके बाद इंसेक्ट्स हैं, उसके बाद जो हैं वो आपकी बहुत सारे मतलब सी एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। अब उनको एक साथ स्टडी करना तो बहुत मुश्किल था, ठीक है? मतलब एक ही जगह पे हम सबको स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जिसका नाम था क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, वो एक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को उनके ईटिंग हैबिट्स की बेसिस पर, उनके मूवमेंट की बेसिस पर, उनके हैबिटेट की बेसिस पर और बॉडी स्ट्रक्चर की बेसिस पर, ठीक है? तो ये क्या है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो जो एनिमल्स थे, जो एक जिनकी हैबिटेट सेम थी, जिनका जो है वो लाइफस्टाइल सेम था, जिनकी हैबिटेट सेम थी, ईटिंग हैबिट सेम थी, मूवमेंट सेम थी, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे ABCD 4 ग्रुप्स हैं तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया। अब जिनकी दूसरा ग्रुप है उसमें एक टाइप के एनिमल्स, तीसरा ग्रुप उसमें दूसरे टाइप के एनिमल्स, ठीक है? अब बेसिकली जो है वो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम बचाती है। इट मेक्स ईजियर टू स्टडी लिविंग थिंग्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। अब इसने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है स्टडी को बहुत आसान बना दिया और उसने समझ को भी बहुत आसान बना दिया लिविंग थिंग्स की। अब लाइक जस्ट टेक अ लिटल एग्जांपल, अगर आपकी जो वार्डरोब है आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के सूट्स रखते हैं, ठीक है? अब आप क्या करते हैं, आप एक ही जगह पर अगर आप सारे कपड़े रखते हैं, लाइक आप जो हैं वो पार्टी वेयरिंग, आप कैजुअल वेयर, आप जो हैं डिफरेंट टाइप के जो भी ड्रेसेज हैं आप एक ही जगह पर रख दें तो आपको
आपको उसको ढूंढने में, और उसी में आप सॉक्स रखते हैं, उसी में आप शूज़ रखते हैं, तो आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए आप अपने कबर्ड के सेक्शंस बना लेते हैं जिसमें आप जो है वो कैजुअल ड्रेसेस अलग से रखते हैं, पार्टी वेयर्स अलग से रखते हैं, सॉक्स अलग से, शूज़ अलग से। तो आप ये क्या करता है, आपका टाइम भी बचाता है और क्या करता है कि आपकी जो है वो आपको पता होता है कि ये चीज़ आपकी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये आपको जो है वो ईज़िली आपको अब हर चीज़ मिल जाती है और आपको जो है वो ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। ये होती है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो लिविंग थिंग्स को 5 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन थी फर्स्ट, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि इनकी स्टडी को ईजी किया जा सके। फर्स्ट था एनिमल्स, सेकेंड था प्लांट्स, थर्ड था फंजाई, फिर था प्रोटिस्टा और फिर था मोनरा, ठीक है। अब एनिमल्स जो हैं, आपको पता है कि जो एनिमल्स की डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब उसमें जिसमें जिस तरह से ह्यूमन से लेकर कोराल्स तक ये सब एनिमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट एनिमल्स जैसे आप स्नेक देख सकते हैं, आप इंसेक्ट्स देख सकते हैं, आप ह्यूमन देख सकते हैं, काउ, गॉड, शीप, तो ये सब डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी जो हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, अपने खुराक खुद बना सकते हैं, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप की जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फंजाई हैं, तो फंजाई भी जो हैं वो एक डिफरेंट टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी जो खुराक जो हैं वो खुद नहीं बना सकते, ठीक है, और उनकी एक सेल वॉल होती है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा भी जो है वो डिफरेंट काइंड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और मोनरा भी लिविंग की जो है वो डिफरेंट काइंड है, ठीक है। अब इस तरह से अगर एक ही जगह पर इन सबको स्टडी करना मुश्किल था, इसीलिए साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया कर दिया। अब इनको हम वन बाई वन भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं सब। दिस वन इज प्लांटी, ठीक है, प्लांट है, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोकैरियोट एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। प्लांट है, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट, मोनरा। अब मोनरा क्या होते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम खुली आंख से हमें नज़र नहीं आते, जिसको देखने के लिए जो है वो एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप की जो है वो हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। लाइक इनको हम जो है हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, उसकी मदद से हम इनको देख सकते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस, जो हमें खुली आंख से नज़र नहीं आते और उनको देखने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से जो है वो ऐसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। लाइक इस तरह से लाइक बैक्टीरिया और वायरस, ये किसकी एग्जाम्पल आ जाते हैं, मोनरा की। उसके बाद जो मोनरा की आप इस तरह से देख सकते हैं, इनकी शेप्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं। उसके बाद फंजाई है। अब फंजाई क्या है, वो एक यूनिक टाइप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो कि प्लांट्स की तरह नज़र तो आते हैं बट ये एनिमल्स के क्लोज होते हैं, ये अपने खुराक खुद नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मशरूम्स, यीस्ट, रस्ट। अब मैंने आपको जो एक्टिविटी करवाई थी वो इसी की फंजाई की एग्जाम्पल है, क्लियर। अब फंजाई आप देख सकते हैं, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स की फंजाई हैं, ये इनकी डिफरेंट टाइप की जो है वो शेप्स हैं, ठीक है। कोराल ये होते हैं, ये फंजाई हैं, ये सब फंजाई हैं, और जो आपकी ब्रेड पे लगी वो भी फंजाई की एग्जांपल है, मोल्ड्स। अब प्लांटा के में क्या होता है कि दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इसमें तमाम प्लांटा से ही मतलब ही प्लांटा से क्या है, प्लांटा जो है वो क्या है, इसमें हर किस्म के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। प्लांटा की एक करेक्टरिस्टिक क्या है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। सिर्फ प्लांटा ही ऐसी चीज़ है जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऐसा कोई दूसरा ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो अपनी खुराक खुद बनाए। इसके एग्जांपल हैं बुशेस, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब किंगडम प्लांटा में जब हम देखते हैं तो उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ही हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स की जो हैं वो शेप इस तरह से हैं, फॉर्म्स।
उसके बाद एनिमेलिया है। जो एनिमेलिया है उसमें क्या होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो अपने खुराक खुद नहीं बनाते और उनकी मोटाइल जो है वो हाईली मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट की कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, लाइक ह्यूमन बींग्स, टाइगर, माउस, स्नेक्स। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये ऐसे एनिमेलिया ही एक वाहिद हैं जो जिनकी मोटाइल जो है वो हाईली मोटाइल होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जो हाईली मोटाइल हों। अब इनकी इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जांपल्स को, इस तरह से इनकी शेप्स होती हैं एनिमेलिया की। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक कि वो मतलब यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, वो यूनिसेलुलर कुछ होते हैं और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। मतलब यूनिसेलुलर कुछ एक सेल से बनते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। अब उनमें न्यूक्लियस भी होता है और उनकी न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उनकी जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होती है एक मेम्ब्रेन। अब उसमें क्या होता है कि ये इनको हम प्रोटिस्टा को भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये हमको हमें जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। अमीबा एंड पैरामीशियम जो है इसकी एग्जांपल है, यू कैन सी ये अमीबा है, ठीक है, और ये है पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम और ये है अमीबा, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपने आपकी डायरी लिखनी है कि अपने जो वोकैबुलरी वर्ड्स थे उनको पेज नंबर आपने सॉरी उनकी वोकैबुलरी वर्ड्स को आपने लिखना है अपनी कॉपी पे, साइंस कॉपी पे, ठीक है। जो भी आपके स्टार्टिंग में वोकैबुलरी वर्ड्स थे उनकी अपनी स्पेलिंग भी याद करनी है और उनको आपने लिखना भी है। और उसके अलावा आपने जो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है पेज नंबर 1-3, आपने इन सारी लिविंग किंगडम्स का जो है वो आपने इनको लर्न करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।